जैसा कि आप देख रहे हो, नोबिता पढ़ रहा है और आज मैं आपके लिए ओपन वर्ल्ड गेम प्ले लेकर आया हूँ जो कि नोबिता और डोरेमोन का है। तो यहाँ पर नोबिता फिलहाल पढ़ रहा है और ये बोर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोर हो चुका है पढ़ते पढ़ते, तो यहाँ पर ये अब लटक गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये पीछे करके सोचने लग गया अपना सर, और यहाँ पर ये डोरेमोन आ जाता है। फिर ये अचानक से शॉक हो जाता है, ठीक है। अब ये कहता है, तुम कौन हो, मतलब ये कहाँ से आ गया। तो ये बताता है, मैं फ्यूचर से आया हूँ, मैं डोरेमोन हूँ, सब कुछ बताता है। ये जब फर्स्ट टाइम जब ऐसा होता है ना, तब का सीन है ये, जब फर्स्ट टाइम आता है डोरेमोन। तो यहाँ पर ये फर्स्ट टाइम नोबिता से मिल चुका है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या करने के लिए मिलता है। फिलहाल तो ये क्या बातें कर रहे हैं मेरे को कुछ नहीं पता, क्योंकि सब कुछ जापनीज भाषा में आ रहा है, चाइनीज़ भाषा या जापनीज़ भाषा जो भी है उस भाषा में आ रहा है, और मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर गाइस देख सकते हो कि नोबिता फिर से बोर हो रहा है पढ़ते पढ़ते, और यहाँ पर डोरेमोन अपनी कॉमिक बुक लेके बैठा हुआ है और खूब खुश होकर एकदम पढ़ रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस, कुछ गिरा है, मेट्रोइड गिरा है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि मेट्रोइड मतलब कि कुछ गिर रहा है, और ये कहाँ पर गिर रहा है ये तो अभी नहीं पता है, लेकिन ये यहाँ पर ये तीन टुकड़ों में गिर गया है, ठीक है गाइस। तो ये तीन टुकड़ों में क्या गिरा है, और ये नोबिता यहाँ पर शॉक होकर अचानक से भागा है बाहर की तरफ, देखते हैं क्या हुआ है। तो ये डोरेमोन कह रहा है कि घूमने जा रहे हो, तो चलो वो तो घूमने निकल गया है, पर यहाँ पर क्या हुआ, ये डोरेमोन नोबिता इतना शॉक क्यों हो गया। तो चलिए देखते हैं कि नोबिता इतना शॉक क्यों हो गया। तो फिलहाल हम बाहर की तरफ आ चुके हैं, तो अब हम बाहर की दुनिया को भी एक्सप्लोर करेंगे। तो चलते हैं बाहर, देखते हैं कि किस किस का घर यहाँ पर नज़र आता है। तो मुझे लगता है कि जियान और सुनियो का भी घर होगा, तो यहाँ पर तो ये बंद है, तो यहाँ से तो हम नहीं जा सकते। तो चलिए हम आगे से चलते हैं, ठीक है। तो आगे से हम जाते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पार्क है हमारा, ठीक है, जहाँ पर हम खेला करते हैं। ओह हो भाई, डेकी सुकी भाई कैसा है, हेलो हेलो डेकी सुकी भाई कैसा है, हेलो, हाँ भाई कैसा है, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो। मैं भी ठीक हूँ यार, चल ठीक है, तू जा यार पढ़ाई कर, तू तो पढ़ाई करता रहता है। चलो कोई नहीं, अब आगे चल के देखते हैं कि कौन कौन मिलता है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमें डेकी सुकी मिल गया पहला बंदा, आगे देखते हैं कि और कौन कौन मिलता है। डेकी सुकी भाई बाय बाय, ओके। तो यहाँ पर ये शायद शिजुका का घर लग रहा है मेरे को, शिजुका शिजुका, ओके। तो हम अंदर जाकर देखते हैं कि किसका घर है। फाइनली गाइज, मैं एकदम श्योर हूँ कि ये शिजुका का ही घर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो इसका जो डेकोरेशन वगैरह बना रखा है ना, बिल्कुल उसी के घर जैसा बना रखा है। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं कि शिजुका का घर किस तरह का है। तो चलिए हम थोड़ा इधर चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन है घर में, ठीक है। तो ये आंटी है शिजुका की मम्मी है, हेलो आंटी, नमस्ते आंटी, ओके। तो ये आंटी है शिजुका की मम्मी। तो यहाँ पर अभी शिजुका नहीं है, शायद वो बाहर गई हुई है। तो आंटी घूम रही हैं, मेरे से बात भी नहीं कर रही है। कोई बात नहीं आंटी, हम जा रहे हैं, ठीक है, बाय बाय। तो फिलहाल मैं वहाँ से बाहर आ चुका हूँ, तो अब चलते हैं यार सुनियो जियान का भी घर देख लेते हैं। ये तो शिजुका का घर था, ठीक है, शिजुका का घर तो यार बहुत प्यारा था यार, बहुत अच्छा था, उसकी मम्मी भी घूम रही थी। वो तेरी सर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक काम करता हूँ छुप जाता हूँ, छुपने की तो जगह नहीं, भाग लेता हूँ आगे से, ओके। तो मैं भाग चुका हूँ, सर ने मेरे को नहीं देखा, ठीक है। अब आगे चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं और क्या क्या हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर तो यार कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है। हाँ ये रही शिजुका, ये रही शिजुका मिल गई मुझे, शिजुका से बात करते हैं, ओके। तो कैसे बात करूँ यार, मैं भागे जा रहा हूँ भागे जा रहा हूँ, शिजुका भी मेरे कैसे बात करूँ यार शिजुका से, कैसे करूँ कैसे, मैं तो भागे जा रहा हूँ इधर उधर, ओके। तो फाइनली मैंने क्लिक कर दिया है, ओके। तो अब शिजुका से बात होगी, तो देखते हैं क्या बात होती है। तो फाइनली मैं यहाँ पर भाग कर आता हूँ, तो शिजुका के हाथ में कुछ है, ठीक है। तो ये नोबिता हाय बोलता है, तो वो बोलती है हाय शिजुका, और वो बोलती है हाय नोबिता। तो ये दोनों बातें कर रहे हैं, और ये बोली कि ये मेरे को कुछ मिला है, तो ये इसको कुछ मिला हुआ है। तो नोबिता पता नहीं शॉक हो चुका है, सुनियो भी वहाँ से भागा हुआ आ रहा है, जियान भी वहाँ से भागा हुआ आ रहा है, और ये दोनों भी कहते हैं कि इनको भी कुछ मिला हुआ है, ये देखो टूटे हुए, शायद वो मेटेराइड था ना, वही तीन टुकड़ों में टूटा था, तो ये वही चीज़ है। तो यहाँ जियान भी दिखा रहा है, और ये तीनों मतलब कि देख रहे हैं कि ये क्या चीज़ है आखिर, ये ऐसा क्या है जो ये मतलब कि तीनों को ही मिला है और किसी को नहीं मिला, ठीक है। तो ये नोबिता थोड़ा घबराया हुआ है कि ये इसने देखा था ना, क्योंकि टूटते हुए तो तीन टुकड़ों में टूटा था वो। तो देखते हैं अब ये क्या करते हैं, तो ये इनको क्या करते हैं, ये जोड़ देते हैं, ठीक है। तो जोड़ने के बाद देखो गाइस क्या होता है यहाँ पर। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो, ओहो भाई साहब, यहाँ पर तो बहुत तगड़ी वाली वो हो गई भाई, फायर आ गई है। और ये क्या कर रहे हैं, इनको ले जा रहे हैं क्या, देखो यहाँ पर ये गायब होने पर हैं, और नोबिता दूर हो गया, नोबिता को एकदम फ्लाइंग करके और ये किक मार दिया, और ये यहाँ पर नोबिता ये कहाँ पर गिरा, ओ तेरी की, नोबिता यहाँ पेड़ पर गिर गया, ठीक है गाइस, और पेड़ से सीधा नीचे गिर गया। तो देख सकते हो गाइस वहाँ पर वो कितना बड़ा वो हो गया है, मतलब कि फायर या पता नहीं क्या है, फायर बॉल है या क्या है, एक बहुत बड़ा सा वो बिजली कड़क रही है, पूरा एकदम शहर वगैरह देखो किस तरह से हो रहा है। गाइस ये देखो क्या कहते हैं, शहर उड़ने वाला है क्या,
मेरे को तो ऐसा लग रहा है फटने वाला है शहर। और गाइस देख सकते हो मैंने जैसा कहा कि ये उड़ने वाला है, और गाइस ये देखो यहाँ से ये उड़ने वाला है, और ये गाइस यहाँ पर सब कुछ उड़ने वाला है, और यहाँ पे पता नहीं क्या ये शाइनिंग शाइनिंग सी आ रही है, और पूरा मतलब लग रहा है कि शहर को उड़ा के कहीं ले जा रहे हैं। और ये कहाँ ले जा रहे हैं यार, इसमें तो सुनियो का घर भी लग रहा है मेरे को है, तो ये कहाँ पे लेके जा रहे हैं यार, ये जगह तो यार बड़ी अच्छी थी यार, कहाँ पे लेके जा रहे हैं। तो ये सब फाइनली जो है ये उड़ चुका है, और पता नहीं वो क्या गिरा था यार, और ये पृथ्वी के बाहर आ चुका है ये पूरा घर। ठीक है अब देखते हैं नोबिता क्या करता है, क्योंकि यहाँ पर तो यार मेरे को स्टोरी समझ नहीं आ रही है। तो यहाँ पर ये ऐसा हुआ है फिलहाल, अन्य नोबिता बहुत चिल्ला रहा है, परेशान हो रखा है कि क्या करूँ क्या करूँ, ये देखो इतना सारा मतलब कि क्या हो रखा है, और ये क्या कहते हैं पृथ्वी का शेप भी देखो किस तरह का बदल गया है। ठीक है मतलब कैसा हो गया पृथ्वी का शेप, और यहाँ पर ये परेशान हो गया है नोबिता, और नोबिता डर के मारे ये क्या करता है पाइप में छुप जाता है। तो यहाँ पर गाइज आप देख सकते हो कि ये मतलब कि कहाँ पर आके रुका है, ये कोई दूसरी पृथ्वी पर जाके ना मतलब कि शिफ्ट हो गया है देखो इस तरह से। ओके गाइज तो ये जगह जो है दूसरी जगह पर जाके शिफ्ट हो गया है। ओके तो यहाँ पर अब इसमें तो मेरे को नोबिता का घर भी दिख रहा है, पता नहीं देखते हैं कि कौन सा मतलब क्या क्या हुआ है। ठीक है तो हम यहाँ पर ये देखो नोबिता छुपा हुआ है, बहुत डरा भी हुआ है कि मेरे को प्लीज़ बचा लो, ये वो मेरे साथ कुछ ना हो, इस तरह का सोच लेकर यहाँ पर ये छुपा हुआ है कि मेरे को कुछ ना हो। तो यहाँ पर बाहर देख सकते हो गाइस भाई साहब यहाँ पर तो तगड़ा सीन हो गया भाई, यहाँ पर ये रोबोट आ चुके, दो खतरनाक रोबोट लग रहे हैं मेरे को, इससे नोबिता को छुप के ही रहना चाहिए भाई, क्या पता कुछ कर दे। हाँ तो ये रोबोट जा रहे हैं और नोबिता छुपा हुआ है चुपचाप, और यहाँ से देख भी रहा है कि क्या सब कर रहे हैं ये रोबोट। तो यहाँ पर ये राउंड लगा रहे हैं रोबोट। ओके तो राउंड लगा के रोबोट फाइनली जा चुके हैं और नोबिता बाहर निकल चुका है। ठीक है गाइस और पता नहीं ये कैसा मिशन है यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि सब कुछ जैपनीज में लिखा हुआ है, तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी भाषा में क्या लिखा हुआ है। ठीक है तो अब हम इधर से चलते हैं। तो ये है जियान का घर, ये जियान का घर इसलिए मेरे को लग रहा है क्योंकि यहाँ पर सोडा शॉप भी है। तो यहाँ पर देख सकते हो इसके अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर देखो यार सब क्या हो गए हैं, और ये नीले वाले उसमें पन्नी के अंदर बंद गए हैं सारे। मैं बाहर जाके देखता हूँ और लोगों को कि क्या कर रहे हैं वो लोग। देख सकते हो यहाँ पे मैं फिर से आपको अंदर जाके दिखाता हूँ। ये देखो जियान की मम्मी एकदम पानी पन्नी में मतलब बंद हो चुकी हैं, और ये पता नहीं क्या हो रखा है यार, पूरा पन्नी में बंद हो गई हैं। चलिए अब हम बाहर चलते हैं, फिलहाल तो स्टोर में एंट्री पूरी सी बंद हो चुकी हैं, तो देखते हैं और लोगों का क्या हाल है। ठीक है यहाँ पर तो यार बहुत तगड़ा सीन हो चुका है, अब मतलब पता नहीं क्या हो गया यार यहाँ पर। अब चलते हैं बाहर, हम देखते हैं कि बाहर की दुनिया में क्या सब हुआ है। तो हम क्या करते हैं पहले यार शिजुका वगैरह का घर चलते। ओ हो भाई जैको को देखो, जैको भी बंद हो चुकी है पूरी तरह से, एकदम जैको भी बंद हो चुकी है। गाइस अब हमें कहाँ चलना चाहिए यार, सुनियो वगैरह के घर, शिजुका वगैरह के घर चल के देखते हैं कि मतलब क्या सीन हो रखा है। ठीक है तो ये सुनियो का घर है, तो यहाँ पर जाकर देखते हैं सुनियो के घर में मतलब कि क्या हो रखा है। तो चलिए जाते हैं और देखते हैं कि सुनियो का घर कैसा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पर सुनियो की मम्मी भी मतलब कि यार देखो क्या मतलब कि वो भी बंद हो चुकी हैं यार, पूरी दुनिया ही बंद हो चुकी है। मैं अकेला मतलब कहाँ घूम रहा हूँ यार, भटक रहा हूँ, मतलब कि मेरे साथ ही कुछ नहीं हुआ, बाकी सबके साथ कुछ ना कुछ हो गया है। तो गाइस मुझे किस तरह से मतलब क्या करना है मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिलहाल तो मैं आपको ओपन वर्ल्ड घुमा रहा हूँ कि किस तरह का ये गेम है, तो आप थोड़ा घूम लो। बाकी ये मैं मिशन कंप्लीट नहीं करने वाला, क्योंकि मेरे को इसके बारे में कुछ नहीं पता कि किस तरह से ये मिशन कंप्लीट होता है। फिलहाल तो मैं क्या करता हूँ अपने घर चलता हूँ यार, क्योंकि मैंने यहाँ दो लोगों का तो घर देख लिया है, सुनियो की मम्मी वगैरह और जियान की मम्मी वगैरह का तो बुरा हाल है। तो अब देखते हैं कि यार मेरा घर किधर है, मेरा घर किधर है। यहाँ पर तो मैप में मैप भी शो नहीं हो रहा है गेम में कि मैं देख सकूँ कि मेरा घर किधर है, तो फाइनली मुझे ढूंढना ही पड़ेगा कि मेरा घर किधर है। तो चलिए मैं ढूंढता हूँ मेरे घर को। ओके तो इस तरफ तो मैं नहीं जा सकता, तो देखते हैं कि मेरा घर कहाँ पर हो सकता है यार। मेरा घर यार बिल्कुल सिंपल सा होगा कहीं पर, देखते हैं यार कहाँ पर है। बहुत परेशान हो गया यार मैं घूम घूम के। वहाँ पर देख सकते हो गाइस एक और बंदा वो था बंद था, पैक हो रखा था, पता नहीं सारे के सारे पैक हो रखे हैं। तो फाइनली गाइज मेरे को मेरा घर मिल चुका है। ठीक है गाइज वो देख रहे हो पिंक कलर का, वही मेरा घर है। तो चलिए हम अपने घर की तरफ चलते हैं, क्योंकि मेरा घर का डिज़ाइन तो मेरे को एकदम अच्छे से पता है। तो हम यहाँ पर अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर मेरी मम्मी जो है वो भी बंद हो चुकी हैं, और यहाँ अंदर जाके ये देख रहा हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो गाइज मेरे पापा जो हैं वो भी बंद हो चुके हैं, वो भी टीवी देखते देखते वो भी बंद हो चुके हैं। ओके तो अब मेरे को कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, अंदर जाना है, किधर जाना है, बाहर का सीढ़ी से रास्ता किधर था यार, इधर कहाँ जाऊँ यार समझ नहीं आ रहा। इसके अंदर जाना है क्या, इसके अंदर जाओ क्या। ओके गाइस तो मेरे को सीढ़ी दिख चुकी है, तो मेरे को उस तरफ जाना है। तो यहाँ पर देख सकते हो सीढ़ी है, तो मेरे को इधर जाना है, तो मैं यहाँ से निकल लिया हूँ। ठीक है तो यहाँ पर सीढ़ी थी, तो यहाँ पर देख सकते हो डोरेमोन पता नहीं सो रहा है कि क्या कर रहा है, इसके ऊपर भी एक पन्नी पड़ी हुई है, पर ये बंदा बंद नहीं हुआ है। ठीक है तो डोरेमोन को छूने के बाद तो ये उठ चुका है, एकदम अच्छे से उठ चुका है। तो ये शायद सपना वगैरह देख रहा था, और नोबिता यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान है, तो यहाँ पर इससे बातचीतें कर रहा है।
यहाँ पर नोबिता थोड़ा डरा हुआ है क्योंकि उसने सारी चीज़ें देखी है तो वो बहुत ही परेशान है। तो यहाँ डोरेमोन को सारी बातें बताता है तो डोरेमोन भी पता नहीं क्या बोल रहा है, मेरे को चाइनीज़ में तो कुछ समझ नहीं आ रहा, चाइनीज़ नहीं सॉरी जैपनीज़ है, बार बार मैं कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ। ओके तो ये भाषा में पता नहीं क्या बोल रहे हैं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं ये मिशन कैसे करते हैं, आई डोंट नो, पर देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पर डोरेमोन भी थोड़ा घबरा गया है कि पता नहीं क्या हो गया है बाहर, मतलब कि बाहर की दुनिया में क्या हो गया है। यहाँ पर भी पन्नी पड़ी हुई है, पता नहीं क्या हुआ है, डोरेमोन के किसी गैजेट का कमाल है, पता नहीं क्या हुआ है क्योंकि यहाँ पर भी पन्नी पड़ी हुई है और डोरेमोन के पास भी पन्नी पड़ी हुई है। तो देखते हैं कि क्या करता है। तो डोरेमोन फाइनली इस बार डोरेमोन बाहर निकला है, ठीक है, नोबिता इस बार घर के अंदर है, वो तो डरा हुआ सहमा सा हुआ है। तो यहाँ पर डोरेमोन बाहर निकला हुआ है, तो देखते हैं कि डोरेमोन कैसे सब कुछ सही करता है। फिलहाल तो सही तो कर नहीं पाएगा क्योंकि मुझे तो मिशन करना नहीं आता है। तो ये क्या है, ये फ्लावर जैसा क्या उड़ रहा है, तितली लग रही है मेरे को। तो इससे बातें करते हैं, हेलो कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, मैं भी जा रहा हूँ। ओके तो यहाँ पर ये सब तो मतलब यही सेम टू सेम यही सब है, तो यहाँ पर ये सब से भी बातें हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इससे भी बातें करते हैं, इससे भी बातें करें क्या, नहीं छोड़ो हटाओ। तो यहाँ पर देख सकते हो ये डेकी सुगी है, ठीक है, यह भी यहाँ पर मतलब कि बंद हो चुका है। हेलो आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, मेरे को दिमाग मत खराब करो, चलो निकलो यहाँ से, बार बार आ जाता है परेशान करने के लिए। ओके तो यहाँ पर हम निकल चुके हैं, तो यहाँ पर ये परेशान हो चुकी है, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ यार, ये परेशान हो गई है, ठीक है, इसको मेरे को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो डोरेमोन के यहाँ पर देख सकते हो गाइस तीन दिल चार दिल बन रखे हैं, चार, नोबिता को तीन दिल मिले हुए थे, तो मतलब कि इसकी पावर ज़्यादा है डोरेमोन की नोबिता से। तो यहाँ पर देख सकते हो ये तो शिजुका का घर है, यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है जाकर, सब जगह बंद हो चुके हैं, आई डोंट नो कैसा सीन है। तो यहाँ पर देख सकते हो यार नज़ारे वगैरह देख लो, तब तक आप देख सकते हो यार किस तरह की बिल्डिंग वगैरह एकदम रियल जैसा कि मतलब गेमिंग एक्सपीरियंस बना रखा है, सब कुछ एकदम वैसा ही है, बस थोड़ा सा और बड़ा होता ना तो और गेम में मज़ा आ जाता। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर सब कुछ एकदम मस्त बना रखा है, एकदम ग्राफिक वगैरह तो अच्छे हैं, म्यूज़िक वगैरह भी सही डाल रखा है, बाकी थोड़ा ना और बड़ा ओपन वर्ल्ड गेम बनाते ना तो और मज़ा आता। तो यहाँ पर तो फिलहाल इतना ही है, तो इतना ही काफ़ी है, बाकी अगर डोरेमोन का रियल लाइफ मतलब ओपन वर्ल्ड गेम भी बनेगा ना तो बहुत चलेगा गाइस, GTA 5 भी फेल हो जाएगा उसके सामने, देख लेना अगर बनेगा तब। तो इसको जल्दी से बनाना चाहिए यार, ये तो फिलहाल जो अनलिस्ड गेम है ना वो है ये मतलब कि ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ है, तो ये मैं वैसे ही नॉर्मली खेल के देख रहा हूँ, ये आपको प्ले स्टोर पर भी नहीं मिलेगा, लेकिन ये गेम बहुत अच्छा है यार, इसको खेलने में मज़ा आ रहा है, बाकी कोई कोई बंदे खेलते होंगे तो अच्छा खेल पाते होंगे। तो यहाँ पर आप एक्सप्लोर कर सकते हो इस तरह के जगह को, देख सकते हो ये सुनियों का घर है, सुनियों का घर तो मेरे को अच्छे से पता है, जैन का भी पता है, शिजुका का घर थोड़ा मैच नहीं हो रहा था तो इसलिए मैं थोड़ा पहचानने में कन्फ्यूज़ हो गया था। यहाँ पर देख सकते हो उस तरफ जैन का भी घर, वो घर था, ठीक है। तो हमारा स्कूल भी कहीं आसपास ही होगा, तो स्कूल का तो कोई नक्शा भी दिया नहीं है यहाँ पर, तो फिलहाल हम इधर ही इतने छोटे से जगह में घूम सकते हैं। तो देख सकते हो गाइस कितना अच्छा लग रहा है ना ये गेम प्ले, कितना मज़ा आया। तो गाइस आपको ये गेम प्ले कैसा लगा और ये आपको जगह कैसी लगी, आपको डोरेमोन कैसा लगा, आपको नोबिता कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि आप मेरे सभी गेमिंग वीडियो सबसे पहले देख सकोगे। ओके गाइस ओके बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।